हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, खुश हैं और मस्त मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे हो ना? तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन करो और फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ाई तो कर रहे ही हैं, ठीक है? तो जल्दी आइए, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि पूनम मैम क्लास में आ चुके हैं। जल्दी से ज्वाइन करो बेटा। मैं पूनम प्रजापत, कक्षा 12वीं कार्बनिक रसायन विज्ञान के इस लास्ट चैप्टर में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं बायो केमिस्ट्री में, यानी कि कौन सा? जीव विज्ञान, जो आपकी जीव रसायन विज्ञान है। क्लियर? तो जल्दी 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 आ जाओ बेटा, क्लास को ज्वाइन करो। आज का टॉपिक जो आप नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? इसीलिए हम इसको डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। जितने टॉपिक्स आपकी बुक में दिए गए हैं, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, बच्चों ये ध्यान कर लेना। और अभी तक यदि आपको ये बात नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आप लोग ट्वेल्थ के बच्चे जो हैं, वो किसी भी बोर्ड के बच्चा देख रहा है, चाहे मेरे को कोई भी बोर्ड का बच्चा क्लास देख रहा है, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल RBSC, UPMP, नहीं, मैं सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ही सारी जो बुक्स में चैप्टर्स हैं उनको देखकर ही, जितने टॉपिक सभी के कवर हो रहे हैं उन्हीं को लेकर ही आपके सामने आती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो ताकि जिन बच्चों को ये बात मालूम नहीं है, मेरे छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिन्हें नहीं पता है, उन्हें कोई भी कह देता है कि इस बोर्ड का है इसका नहीं है तो बच्चा छोड़ देता है। नहीं बेटा, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, मैं कह रही हूँ जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर सिर्फ डाउट नट है। तो प्लीज़ सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, क्लास को शेयर कर दो, हम पढ़ना शुरू कर दे ताकि अपना चैप्टर, ठीक है? तो जल्दी आ जाओ और फटाफट शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। बेटा आज का टॉपिक आपका लास्ट चैप्टर है, ये 10th चैप्टर, जिसका नाम है जैव अणु या बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, ये क्या होता है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलें, फटाफट मुझे थम्स अप भेज दीजिए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ओके जी, ओके। और एक बात है ना, अब तो हम और आप एक दूसरे को जानने लगे हैं, इतनी बार हम मिल चुके हैं ना। तो बेटा क्लास के समय इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आपको कह रही हूँ, मन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज बातें ना करके क्लास पे ध्यान देना। ओके, इतनी सी बात मानेंगे? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में कि यस मैम, प्रॉमिस कर दो बेटा, प्रॉमिस कर दो। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है? तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं जीव अणु में। हम इसका एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने, वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट? तो यहाँ गेहूं का आटा है, यहाँ पर ब्रेड है ना, जो भी है उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपके सामने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ये सब चीज आपने बेसिक बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना। बायोलॉजी में आपने देखा हुआ है कि कोई भी प्लांट है, उसकी जो ग्रीन पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करती हैं, और फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, जिससे हम क्या प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। आप कहते हैं ना, आपको टीचर्स बताते होंगे कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो भोजन ही क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है राजा? कार्बोहाइड्रेट है। वो भोजन आपका क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो, क्लियर? तो यही भोजन ये इसने बनाया और हम सब ने ग्रहण किया, सभी लोगों ने, ह्यूमंस जो हैं हम सब, है ना, चाहे जीव है, जंतु है, सभी मानव,
क्या करते हैं, इस भोजन को ग्रहण करते हैं जो प्लांट बनाते हैं एज ए फ्रूट। क्लियर? ओके डन। तो चलते हैं, आपको बेसिकली समझ में आ गया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होता है जो हम डेली रोटी के रूप में, ब्रेड के रूप में खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बेसिकली वो होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो दिखाई कैसा देता है, वो हम आज डिस्कस करते हैं। ना इंटरेस्टिंग? जल्दी से फटाफट थम्स अप भेज दो। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं परिचय से। परिचय क्या कहता है? परिचय कहता है कि आप इस इकाई में कुछ जैव अणुओं की संरचनाओं और कार्यों पर चर्चा करेंगे। मतलब कि जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज नाम सबने सुना है, फ्रक्टोज, मैनोज, रेमनोज, ये नाम नहीं सुने होंगे लेकिन अब सुनना है। ग्लूकोज सबने सुना है, वो होता क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसकी संरचना कैसे होती है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट? तो चलते हैं आगे। सेकंड, जैव रसायन में जीवित प्राणी के अंदर जैव अणुओं की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो शरीर में कैसे कार्य करता है, उसका भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बनाएंगे तो कार्य कैसे करता है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो यही चीजें हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड, थर्ड ये कह रहा है कि जीवित प्रणालियां विभिन्न जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड आदि ऊर्जा के भंडार और आदान प्रदान के लिए एटीपी से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक है, प्रोटीन भी कार्बन है लेकिन इसमें एमिन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जो बॉडी में क्या करते हैं, चीजों को पचाने का कार्य करते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर अनेक एंजाइम सिक्रेट होते हैं, है ना, लाइपेज एंजाइम है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, आपने भोजन जो ग्रहण किया है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य कर रहे हैं, वो एंजाइम्स होते हैं। लिपिड्स जो उसको क्या करते हैं, भोजन को लसलसा बनाकर भोजन को क्या करते हैं, उसके जो आवश्यक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में उपस्थित जो भी तत्व हैं, जो भी तत्व हैं वो कितने यूजफुल है, आपकी बॉडी को कितनी मात्रा में चाहिए, वो सब विटामिन्स की श्रेणी में आते हैं। हाँ, ओके। और फिर आता है हार्मोन्स। तो जैसे कि एंजाइम होते हैं वैसे ही हार्मोन्स होते हैं, बस एंजाइम्स ये होते हैं कि वो आपकी बॉडी में भोजन को डाइजेस्ट करता है, वहीं पर हार्मोन्स जो होते हैं वो जनरली आपके ग्रोथ को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी आप कितने लंबाई में कितने होंगे, और ये जनरली आपके किन से सिक्रेट होते हैं, ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, ग्रंथियों से इन्हें स्त्रावित किया जाता है, तो वो उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। क्लियर? और आता है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर भी हम लोग कहते हैं कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट युक्त यौगिकों का ही निर्माण होता है। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार, और ये सब जब कार्य कर रहे होते हैं तो ये सब कार्य करते वक्त क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये नाम आप सबने सुने हैं तो भी ठीक है, नहीं सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बायो और मैथ्स के सभी स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो पूरा वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे बच्चों को मेरे को इससे ही पढ़ना है, उन्हें पीछे नहीं आया है। ठीक है राजा? तो यू डोंट वरी, आराम से पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया, सबकी बात क्लियर हो गई? तो चलते हैं आगे, क्योंकि आपकी बॉडी में 36 जो हैं एटीपी अणु जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। क्लियर? आ गए बात समझ में? आ जाइए जी, आ जाइए। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कितने शब्दों से राजा? कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से, कार्बो प्लस हाइड्रेट। ठीक है?
कार्बो का मतलब क्या होता है राजा? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल युक्त। तो इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बन गया बेटा? कार्बन के जल योजित यौगिक। क्लियर? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। कार्बन के क्या? जल योजित या जल युक्त यौगिक। जल युक्त यौगिक। क्लियर? बात समझ में आ गई तो फटाफट बता दीजिए। यस मैम। ओके डन। चलिए जी बेटा जी, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र होते हैं CXH2O का होल वाई। अब ये एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई हमेशा बराबर हैं तब तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, तब तो ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आएंगे। पर कई अपवाद भी हैं, जब ये दोनों बराबर ना भी हो तो भी वो कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। ओके डन। यहां तक क्लियर तो थम्स अप भेज देंगे सभी बच्चे, फटाफट फटाफट जल्दी से। ओके जी, ओके चलें। आप देख लेना, आ जाओ। अब आता है इसका सामान्य सूत्र, वो तो समझ में आ गया। अब सामान्य सूत्र क्या होता है? CXH2O का वाई मैंने बता दिया। फिर आता है कि उदाहरण के लिए ग्लूकोज जो है इस सूत्र का सामान्य सूत्र में भी फिट किया जा सकता है, जो मैंने अभी बताया है। जैसे ये लिख रहा है CXH2O का होल वाई। एक्स और वाई तो इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 6। तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी? 6। तो आ जाओ भाई, C6H2O का होल 6। तो क्या बना बेटा? C6H12O6। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आ गया ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत जरूरी है इन चीजों को इस तरीके से पढ़ना। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? अच्छा लगता है, देखो कैसे फॉर्मूला तुरंत बन जाता है। पर ऐसा भी नहीं है, कई बार ये इक्वल ना हो के भी फॉर्मूला जो है, वो जो मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। चलें, क्लियर? उतार लेना भाई राजा ये सब बेटा मेरे। ओके जी, आओ जी जाओ। अब ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। सैकेराइड मतलब शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, जो मीठी होती है स्वाद में। ठीक है, आइए जी। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा भी कहा जाता है। क्लियर? हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आई हुई है ना? मैंने बता दी है आपको, ये भी समझ में आ गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, और ये भी क्लियर हो गया, है ना? ये ध्यान से पढ़ लेना भाई। यहाँ पर जैसे CXH2O का होल वाई है ना, तो एक्स इजिकल टू वाई इफ एक्स इजिकल टू 6 देन वाई इजिकल टू भी 6 होगा। तो क्या लिख दिया? C6H2O का होल 6। तो क्या बन गया? C6H12। हाँ या ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, सबको समझ में आ गया बेटा जी। ओके चलो जी, आगे चलते हैं अगला। अब है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया गया है? ये बुक में भी दिया है, ऐसा नहीं है, बट अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, कहने का मतलब टॉपिक वही होगा, नाम वही होंगे, पर अपन थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो अपन यहाँ देखेंगे कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली टू टाइप्स पे वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर। किस पर बेटा? भौतिक अवस्था अवस्था के आधार पर, ठीक है। और वहीं पर यदि मैं बात करूं तो वो आ जाता है किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के बाद में आ जाता है आपका कौन सा बेटा? जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर, ठीक, क्लियर हो गई। अब भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार से बांट गए हैं। पहला
पहला है शर्करा और फिर है अशर्करा। ऐसा चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए डाउट नट ज्वाइन करके रखो, भूमिका मैम के चैनल पर ही मिल सकता है ये, और कहीं नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स है ना, जैसे मैम पढ़ाते हुए शॉर्ट ट्रिक्स बताती है ना, वैसे ही चले। तो शर्करा और अशर्करा, वहीं पर अपन बात करें कि जल अपघटन के आधार पर, तो जल अपघटन के आधार पर ये कितने प्रकार से हैं, ये बेसिकली थ्री टाइप से हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यस और नो, जल्दी बताओ। अब आते हैं अपन अगला अपना, बेसिकली शर्कराएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। शर्कराएं क्या होती हैं, हमेशा क्रिस्टल, चीनी को देखा है ना, ये क्रिस्टलीय होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं, जल में विलय, ठीक है। वहीं अगर अशर्करा की बात करूं तो क्या होगा, वो क्या होंगी, अक्रिस्टलीय और जल में अल्प। जल में क्या होंगी बेटा, जल में अल्प विलय। क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सबको समझ में आई बात, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, यस और नो। आ जाओ अब बेटा, यदि मोनोसैकेराइड की मैं बात करूं तो मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि अगर इस कार्बोहाइड्रेट को अगर जल में डिसॉल्व करो तो ये जल अपघटित नहीं होते हैं, यानी ये अपनी अन्य इकाइयों में नहीं टूटते हैं। क्लियर, यानी कि ये जल अपघटित नहीं, ठीक है, तो वो मोनोसैकेराइड यानी कि अपनी एकलक इकाई में ही रहते हैं। और एग्जांपल कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लियर, हाँ या ना, एग्जांपल समझ में आया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक और है रामनोज, ठीक है राजा। अब आओ ऑलिगोसैकेराइड जब बात करते हैं बेटा, तो ऑलिगोसैकेराइड जो है वो थ्री टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताएं, आ जाओ, डाई सैकेराइड, ट्राई सैकेराइड और टेट्रा सैकेराइड, राइट। तो डाई सैकेराइड जब आप बात करते हैं तो वो क्या आता है, सुक्रोज। सभी बच्चे ध्यान देना, सुक्रोज, सुक्रोज, मेनोस, लैक्टोज, ठीक। अब ट्राई में क्या है, ट्राई में क्या आएगा, ट्राई के अंदर आएगा रेफिनोज, क्या आएगा, रेफिनोज। और वहीं पर टेट्रा की बात करूं तो वहां पर क्या आएगा, स्टेकेटोज,
क्लियर। अब आता है क्या आपके पास पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है बेटा, स्टार्च और सेल्यूलोस। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, स्टार्च सेल्यूलोस। क्लियर, हाँ या ना, जल्दी से बताओ सभी को बात समझ आ रही है या नहीं, सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है या नहीं। ये चार्ट कितने बच्चों का क्लियर हो गया, ये चार्ट कितने बच्चों को क्लियर समझ में आ गया। यहाँ क्या है, भौतिक अवस्था क्या है पर, शर्करा और अशर्करा। शर्कराएं वो होती है जो जल में विलय होती है, जो जल में विलय नहीं उन्हें अशर्करा कहते हैं। वहीं पर जल अपघटन की बात करूं तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जल अपघटित नहीं होते हैं, ओलिगोसेकेराइड जल अपघटित होते हैं अपने से एक अधिक, यानी कि ये अपघटित नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों में टूट जाते हैं, और 10 से अधिक अधिक तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर क्या होगा, 10 से अधिक आने पर पॉलीसेकेराइड हो जाता है। ऐसा चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से इसको उतार लीजिए, सभी बच्चे अच्छे से उतारेंगे। उतार लिया सभी ने तो जल्दी से थम्स अप भेज दो फटाफट, और स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण तो हो गया, अब अपन चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपने पास जो है, अपन ने क्या पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में अपचायक शर्करा क्या होती है। क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। अब आता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो जब आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो शर्कराएं, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एक शर्करा ही है, जल में घुलनशील होती है, राइट, हाँ या ना। और क्या होती है, जल में घुलनशील तो होती है लेकिन जैसे ही आप, लेकिन जल अपघटित नहीं होती, ग्लूकोज कभी जल के अंदर अपघटित नहीं होता, घुल तो जाता है पर अपघटित नहीं होता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप घर में भी करके देखना चाहे तो देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे खोल के भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने ग्लूकोज के अंदर, पानी के अंदर ग्लूकोज मिलाया है और यदि फिर आपने क्या किया है, उसमें धारा का प्रवाह किया है, तो वहां पर बल्ब जलता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो घुलता तो है पर अपघटित नहीं होता है। क्लियर, चलें आगे। ओके डन, तो अब आते अपने पास अपचायक कार्बोहाइड्रेट। अपचायक कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि आपके पास मुक्त एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह वाले कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलयन में। अच्छा चलो, पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास जो मॉलिक्यूल है अपन उनकी बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्लूकोज है, क्या है बेटा, जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही आपके पास क्या है बेटा, फ्रक्टोज है। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब मैं बात करती हूँ तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता है क्या होता है, C6H12O6। यस और नो, एज सिमिलर एज फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6, सही है बेटा। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो कैसे बनती है, सभी बच्चे ध्यान से देखना बेटा, सभी बच्चे। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यदि मैं बात करूं तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, तो भी मैं देखती हूं कि डायरेक्टली आपको बता दूं। चलो आ जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच, सी एच टू ओ एच। यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो जल्दी बताओ, यस और नो। देखो बेटा, एक नंबर कार्बन,
दो तीन चार पांच और छह। अब आप सोचोगे मैम हमें ऐसे स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा, यू डोंट वरी मैम है ना आपके साथ, मैं अभी बहुत सारी अभिक्रियाएं करवाऊंगी उसमें बार बार यही बनाऊंगी तो आपको लगेगा कि हमें तो याद हो गया है ना। इसीलिए तो मैं आज पहली बार ही ऐसे ही बना रही हूँ ताकि आपकी आंखों को इस चीज को देखने की आदत पड़ जाए। चले वहीं पर यदि मैं बात करूं, यदि ग्लूकोज से ही क्या बना देंगे हम, फ्रक्टोज बना देंगे। पता है कैसे, जरा ध्यान देना सभी बच्चे बोर्ड पर, मैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना रही हूँ। देखो ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनेगा बेटा, ये जो एच है ये यहाँ आएगा, ठीक है, हाँ या ना जल्दी बताओ, और ये द्विया बंध जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। अब ये द्विया बंध टूटा ना तो ये बंध भी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऊपर आएंगे और ये द्विया बंध नीचे। क्या बना भाई, देखो जरा, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, हाँ या ना, फिर हाइड्रोजन इधर भी आ गया, फिर ऑक्सीजन तो पहले से ही था और हाइड्रोजन आ गया, हाँ या ना। अब कार्बन यहाँ पर एकल बंध था, द्विया बंध आ गया, ऑक्सीजन इसका इसके पास ही था, एक दो तीन, एच ओ एच ओ एच एच ओ एच, एक दो तीन चार पांच, और ये आ गया सी एच टू ओ एच, हाँ या ना। तो अब इसके अंदर क्या हो गया बेटा, इसके अंदर क्या हो गया, ये कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप, ये तो आप सब जानते हैं, अब कोई बात है ही नहीं, दिक्कत है ही नहीं। और ये कौन सा ग्रुप है राजा, ये ग्रुप है एल्डिहाइड, हाँ या ना, सबको बात समझ में आई। तो जहां एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज, जहां कीटोन ग्रुप होता है वहां हम कहते हैं उसे फ्रक्टोज। बताओ कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना। बहुत सिंपल है, इस द्विया बंध को नीचे कर दो और यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को ऊपर भेज दो तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज से ही फ्रक्टोज बन जाता है। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। ओके डन, अब आपको समझ में आ जाएगी। अब जो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जो शर्कराएं होती हैं, वो शर्कराएं कैसी होती हैं, उन्हें अपचायक और अनअपचायक शर्कराएं हम क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा में क्या बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि मुक्त एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक समूह, एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह समझ में आ गया, यानी कि वाले कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं फेलिंग विलयन के घोल को कम कर सकते हैं और तौलन के अपचायक कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। यानी कह रहे हैं कि आपके पास यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो उनके अंदर यदि इनका ये ग्रुप जो है वो फ्री है, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, कीटो ग्रुप भी क्या है, फ्री है, नो रिएक्शन, तब तो वह है अपचायक शर्करा। अगर ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, यदि ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं बेटा, ये अभिक्रिया ये मुक्त नहीं होते हैं, ये यहाँ पर तो नो रिएक्शन है, जो नो रिएक्शन है तो क्या है, अपचायक शर्करा, क्योंकि इसीलिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक अपचायक शर्करा है। वहीं पर यदि आप बात करें कि मोनोसेक्रेट चाहे एल्डोज हो या कीटोज, प्रकृति में अपचायक होते हैं। थर्ड है गैर अपचायक, तो जहां पर ये क्या होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, यानी कि ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, रिएक्शन होती है, राइट, यानी फ्री नहीं दिखाई देंगे तुम्हें। अगर ये आपको इसी रूप में दिखाई दे, अगर सी डबल बॉन्ड और एच के रूप में दिखाई दे रहे हैं तब तो वो है अपचायक, अगर सी डबल बॉन्ड और एच नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या होंगे, अनअपचायक, लाइक सेल्यूलोस, स्टार्च, ये अनअपचायक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको फ्री कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। चले जी आगे, ओके डन। अब देखो ये कह रहे हैं ना, सभी पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, सेल्यूलोस, ये सब क्या होते हैं, एक अनअपचायक शर्करा होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अपचायक अनअपचायक शर्कराएं कौन सी होती है, जहां पर
एल्डिहाइड कीटोन समूह फ्री वो अपचायक, जहां फ्री नहीं वो अनअपचायक होता है। डन, थम्स अप भेजो जल्दी 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 मेरे ब्राजा बच्चे। ओके जी चलते हैं आगे। अब आता है नामकरण। अगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ऐसी कोई भी शर्कराएं आपके पास हो तो आप उनका नामकरण कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का जब भी नामकरण किया जाता है तो क्या लगाया जाता है उनके नाम के पीछे? ओज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च में नहीं है ना, तो स्टार्च को छोड़ दो अपवाद है, मेनोज, रेमनोज, रेफिनोज, लैक्टोज। क्लियर? आगे बात समझ में? सब में ओज लग रहा है तो ये सब कार्बोहाइड्रेट है। यदि किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड समूह होता है तो उसे एल्डोज और कीटो समूह तो कीटोज कहते हैं। जैसे आपके सामने दिया गया है 3, 4, 5, 6 और 7 ट्रायोज। ट्रायोज तो है ही, अगर एल्डिहाइड है ट्राई में तो एल्डो ट्रायोज और कीटो समूह है तो कीटो ट्रायोज। हाँ या ना? टेट्रा है तो एल्डो एल्डो टेट्रोज और कीटोन में है तो कीटो टेट्रोज। पेंटोज है तो एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। अच्छा आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है और फ्रक्टोज है वो क्या है, उसे किस नाम से बोलेंगे? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो अभी इसी वक्त, अभी नहीं तो कभी नहीं, जल्दी से। एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस। क्लियर? कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोस। सबका क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई तो फटाफट फटाफट लिख दीजिए यस मैम। सबको बात समझ में आनी ही चाहिए भाई, आनी ही चाहिए। चलो राजा चलो, अब ये सबको नामकरण सबको समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम आगे। कहां पर? अब आते हैं समावयवी कितने होते हैं, यानी अपन जब भी कार्बोहाइड्रेट के समावयवियों की बात करेंगे तो कितने समावयवी हो सकते हैं। तो बताया गया कि निम्न सूत्र से इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सूत्र क्या है? 2n। क्लियर? और ये n क्या है? n है किरेल कार्बनों की संख्या, किरेल कार्बन की संख्या। क्लियर बेटा? यस और नो जल्दी बताओ। तो अब आता है किरेल कार्बन की संख्या कैसे देखेंगे? सभी बच्चे देखो इधर, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच, सी एच टू। चले आओ जल्दी। किरेल का मतलब क्या होता है? किरेल का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब? किरेल का मतलब होता है क्या? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न हो, ए बी सी और डी। ठीक है, आ जाओ जी। चलो काउंट करके देख लेते हैं किस किस की संयोजकता भिन्न है। आओ, इस कार्बन के दो बंद पर ऑक्सीजन है तो ये काइरल कार्बन नहीं है। ठीक है, जो होगा उस पर स्टार लगा देंगे। अब आओ, ए बी सी और डी, सही है? चारों संयोजकताएं भिन्न है, बोलो है कि नहीं है? यहां OH, फिर इधर H, नीचे कार्बन ऊपर कार्बन, कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक, यानी एक काइरल कार्बन है, स्टार लगा दो। अब आओ इस पर, एक कार्बन से दूसरे कार्बन से जब जुड़ा हुआ है तो इसके आगे C डबल बॉन्ड OH है, इसके आगे CH2OH है, तो ये भी भिन्न हो गया। इसकी चारों संयोजकताएं भी भिन्न है, दो। इसकी भी चारों भिन्न है, इसकी भी चारों भिन्न है, टोटल कितने हो गए? 4, यानी 2 की पावर 4। कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 4 × 8 8 × 16, 16 समावयवी बन सकते हैं।
हाँ या ना, जल्दी बताओ, यानी ग्लूकोज के कितने समावयवी संभव है? 16 समावयवी संभव है। बात समझ में आई? अब फ्रक्टोज के आप खुद निकाल कर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितने संभव है समावयवी। सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे, अगर नहीं किया तो गलत बात है, गलत बात है भाई बेटा, ऐसे नहीं करो तुम। ठीक है, आ जाओ, ये सबको समझ में आया? आओ जी आओ, चलते हैं आगे। अब आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बनाया कैसे जाता है और इसके संरचना कैसी होती है, क्योंकि इसके फिर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ। तो ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों रूप में पाया जाता है, यानी फ्री भी रह सकता है। अपन ग्लूकोन डी लाते हैं, वो ग्लूकोज ही है, फ्री भी रह सकता है और किसी के साथ जुड़ के भी रहा जा सकता है। ये मीठे फलों जैसे शहद में मौजूद होता है। क्लियर है, बात समझ में आए? पके हुए अंगूर में 20% ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। शर्करा यानी शुगर इनके अंदर ज्यादा होता है, पर इतना भी नहीं है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है। ग्लूकोज के अंदर ये बेनिफिट होता है, इसीलिए बॉडी में ग्लूकोन डी ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी का जो कहते हैं कि शुगर लेवल है उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। ग्लूकोज के निर्माण की विधियां, ग्लूकोज के निर्माण की कितनी विधियां हैं बेटा? दो विधियां हैं। कितनी विधियां राजा? दो विधियां हैं। पहले किसके द्वारा? पहला है सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और एक करेंगे हम स्टार्च के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? स्टार्च के द्वारा। क्लियर? तो सुक्रोज के द्वारा हो तो कैसे होगा, जरा ध्यान देंगे। C12H22O11 प्लस H2O क्या बन गया? जोड़ दो, दो हाइड्रोजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। हाँ या ना, जल्दी बताओ। C12H क्या, जल्दी बताओ, अभी तक जोड़ा ही नहीं। अच्छा, ओ 21 11, सॉरी बच्चे लोग, C12H22O11 एक यहां जुड़ गया, ये दो यहां जुड़ गए, क्या बन गया? C12H24 और O12। इसका मतलब इसको खोलें तो क्या बन गए? C6H12O6 C6H12O6। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सुक्रोज से जब, सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है तो वो किसकी उपस्थिति में होता है? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, और साथ ही क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज भी बनता है। क्या बनता है बेटा? फ्रक्टोज भी बनता है, यानी फॉर्मूला भले ही सेम हो लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग है, याद है ना? मैंने अभी बताया था ग्लूकोज में LDH ग्रुप होता है, जबकि कीटोन उसमें, फ्रक्टोज में कीटो समूह पाया जाता है। क्लियर है सबको? ओके, डन। तो अब आते हैं स्टार्च पर। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। अब इसकी रिएक्शन NH2O के साथ, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ कराओ तो NC6H12O6, यानी स्टार्च का जब जल अपघटन होता है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमेशा केवल ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। ये बात सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, जबकि स्टार्च के जल अपघटन से केवल मात्र ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये आज याद रखना, आगे जब रासायनिक विधियां पढ़ेंगे अपन, जब फ्रक्टोज का निर्माण पढ़ेंगे तो उस समय में भी आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। चले, ओके, डन। तो उतार लीजिए फटाफट सभी बच्चे ध्यान से इसको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ओके जी, ओके, चलते हैं आगे। अब आती है ग्लूकोज की संरचना। ये एक क्या है? एल्डोहेक्सोज है। बताओ क्यों है? अभी मैंने बताया, एक तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? CHO समूह।
दूसरा इसमें छह क्या है, कार्बन, इसलिए क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज, छह कार्बन और ग्लूकोज है तो नाम के पीछे ओज, शर्कराओं में ओज लगता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे ओज लगता है, क्लियर। स्टार्च सेल्यूलोज जैसी कई बड़े कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, एकलक इकाई है, मोनोमर का मतलब एकलक इकाई है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ग्लूकोज की संरचना, यह प्रस्तावित किया गया था कि ग्लूकोज छह सदस्य वाले रिंग से जुड़ा होता है, इसमें C5OH CH समूह द्वारा जुड़ सकते हैं, चक्रीय हेमी एसिटिल संरचना का बना हुआ हो सकता है, CHO समूह की अनुपस्थिति पर अल्फा बीटा एनोमेरिक रूप में ग्लूकोज के अस्तित्व की व्यापक व्याख्या की जा सकती है। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो आप सबको पता ही है, सभी बच्चों को है ना। अब यहाँ पर ये आपस में एक चक्रीय संरचना बना रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसका जो क्या है बेटा, ये OH है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो क्या बन गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आई है या नहीं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं, क्लियर। अब इसी से आप क्या बना सकते हैं, इसी से क्या बना सकते हैं, ऐसे चक्रीय संरचना भी बना सकते हैं, क्लियर, पाइरीन, क्लियर है। हम ये संरचना मैं आपको यहाँ तो दिखा चुकी हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये आए ही, क्योंकि ये चीजें मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाऊंगी, ये इसलिए मैंने आज बता दी ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सके, ठीक है। तो ये आप हाथ से बनाकर भी देख सकते हैं, एक बार ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना कि मैम आप हमें हाथ से बनाकर खुद दिखाओ, तो मैं आपको पक्का बनाकर समझा दूंगी, और यदि आ गई है तो वेल एंड गुड है, ओके। जो हमने पीछे पढ़ा था, जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म में आज पढ़ाने वाली हूँ, उससे पहले आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए, आपको बेटा पता होना चाहिए कि अपने पास जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर आपको सबको मैंने बताई हुई है, फिर भी मैं वापस बता रही हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर किसकी बेटा, ग्लूकोज की, यही स्ट्रक्चर होती है, सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच और CH2OH। राजा हमेशा ध्यान दो बेटे कि आप जब भी एक लिख रहे हैं फॉर्मूले को, तो हमेशा एक ही चीज नोट करना, ताकि आप कभी भी गलत ना कर सको कि ग्लूकोज का जो थर्ड नंबर कार्बन होता है उसका H और OH जो है वो चेंज होता है, सारे OH जो है वो किस साइड में है, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो हमेशा OH जो है वो आपके किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और H जो है राइट हैंड साइड में है, लेकिन थर्ड नंबर जो है वो हमेशा उल्टा हो जाता है सभी का, तो उस समय आपको ये चीज ध्यान देनी है, ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर समझाया। अब मैं भौतिक गुण करने के बाद जब रासायनिक गुणधर्मों में आऊंगी, तो मैं एक एक रिएक्शन करवाऊंगी, मैं सब में स्ट्रक्चर खोल के ही दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह से ही पढ़ें, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ओके। तो चले, ये सबको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, थर्ड नंबर कार्बन चेंज होता है ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ओके। तो चलो बेटा जी, अब चलते हैं भौतिक गुणधर्म में। सबसे पहले तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ग्लूकोज की क्या ही बताएं, सबको पता है ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज सफेद सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है राजा, ठोस होता है, हाँ या ना, बात समझ में, क्रिस्टलीय ठोस होता है। वहीं पर मैं बात करूं तो दूसरी बात कि जो ग्लूकोज होता है ये हमेशा जल में क्या होता है बेटा, जल में विलय होता है, ये हम सब जानते हैं है ना, हम ग्लूकोन डी पीते नहीं है क्या, हाँ या ना बताओ, पीते हैं ना, तो वो जल में क्या है भाई, डिजोल्व है, तभी तो बॉडी के अंदर जा रहा है आराम से, हाँ या ना, और आपको एनर्जेटिक बना रहा है मेरे बच्चों को, है ना। और लास्ट में आता है कि जो स्वाद में क्या होता है बेटे, ये स्वाद में मीठा होता है, क्या होता है राजा, स्वाद में मीठा होता है, इट इज क्लियर नाउ, क्लियर,
यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सबका क्लियर है? ओके जी, ओके जी, थम्स अप भेजो फटाफट। आप चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका आज का, वो है क्या बेटा? वो है आपका रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म जो है उसमें टोटल 9 विधियां हैं, है ना। जनरली मैं हमेशा, मेरा जो मेथड होता है वो चार्ट बनाकर समझाने का ही होता है, पर मैं आज जो है थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हुए चेंज कर रही हूँ। मैं एक एक रिएक्शन को क्वेश्चन के साथ समझा रही हूँ। इसका रीजन ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इसका रीजन इसलिए है बेटा ये, क्योंकि अपन जब रिएक्शन ये वाली पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है। इसके हर रिएक्शन में क्वेश्चन छुपा हुआ है ना, एक हिडन टाइप की रिएक्शंस होती हैं, तो वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके डन, तो चले आओ बेटा जी। पहले, सबसे पहले जो अपनी रिएक्शन होने वाली है, सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म की जो रिएक्शन है, सबसे फर्स्ट वो है किसके साथ रिएक्शन है, वो है सोडियम अमलगम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा? सोडियम, सोडियम अमलगम गम के साथ साथ अभिक्रिया क्रिया, है ना। सोडियम अमलगम क्या होता है? सोडियम एनी अमलगम Hg, इन दोनों का मिश्रण को हमेशा क्या कहते हैं? अमलगम तो हमेशा मरकरी ही होता है, वहां पोटेशियम तो पोटेशियम अमलगम हो जाता है, सोडियम तो सोडियम अमलगम हो जाता है। जो भी धातु उसके साथ जुड़ती है वही उसका क्या हो जाता है? अमलगम हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आई? तो अब चलते हैं आगे। सोडियम अमलगम के साथ में रिएक्शन करना है, यानी धातु ये क्या करती है, क्या करती है, तो वो रिएक्शन में भी आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला और आपको करनी है। धातु हमेशा क्या करती है राजा? अपचयन करती है। क्या करती है गोपाला? अपचयन करती है बेटे। तो अपचयन जब कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। क्या अपना फॉर्मूला है? सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच, हाँ या ना? आज तक आपने इस तरह से कहीं भी नहीं देखा होगा जैसा हम पढ़ रहे हैं। अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो अब आपकी रिएक्शन होनी है सोडियम अमलगम के साथ और वहां पर अपने पास लिखे जाएंगे एच, हाँ या ना? तो अब चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बंध टूटेगा, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन दोनों संयोजकताओं को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। दो बंध टूटे हैं ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? सी ऊपर भी H, इधर भी H और यहाँ OH, नीचे C OH H C H OH C OH H C OH H CH2 OH। क्लियर, हाँ या ना? जल्दी बताओ, सबको बात समझ में आ गई होगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हमेशा, कि जो दो नंबर कार्बन है, जो दो नंबर का कार्बन है, इसका OH यदि किस साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, तो हमेशा ये किस फॉर्म में होगा? डी रूप में। और यदि यही OH जो है इस साइड में आ गया तो ये इसका हो जाएगा अल रूप, है ना। वामावर्त और दक्षिणावर्त घूर्णन हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए यस मैम, जल्दी जल्दी जल्दी, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके डन, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, फटाफट थम्स अप भेजो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ओके, सबका क्लियर है? तो जल्दी से ये बात सबको क्लियर हो गई, फर्स्ट रिएक्शन सबको समझ में आ गई। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डू डी ग्लूकोज से क्वेश्चन क्या आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो मैं लिख दे रही हूँ। आप लोग देखो ना कि डी ग्लूकोज जो होता है, डी ग्लूकोज जो होता है उससे पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे प्राप्त, पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आप उसका क्या करवा दो, आप चेन करा दो, सब जगह OH 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 आ गया ना, तो हमेशा पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाता है। समझ आई पहली रिएक्शन, हाँ या ना? क्लियर है। सेकेंड रिएक्शन में आते हैं। अब दूसरी जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है आपकी,
दूसरी रिएक्शन है ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है, एचआई के साथ अभिक्रिया, एचआई के साथ अभिक्रिया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है ना, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका पूछने का तरीका क्या होगा कि हमेशा आपके पास क्या होती है कार्बन, ग्लूकोज क्या एक लंबी कार्बन श्रृंखला के रूप में पॉसिबल है। क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन, ग्लूकोज में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला उपस्थित है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको उस दौरान क्या करना है, उस दौरान आपको ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवानी है, एचआई के साथ करानी है। कैसे, अभी देखो सामने स्क्रीन पर आपके पास क्या है भाई, C डबल बॉन्ड O H C OH H C OH C OH H C OH CH2OH। क्लियर, इसकी रिएक्शन आपको 14 HI के साथ करानी है। किसके साथ बेटा, 14 HI। कैसे होगा, कैसे रिएक्शन होगी, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे, मैं देखो सामने लिख रही हूँ, 14 HI में क्या होगा, अपने पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, 7 HH लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, आयोडीन तो है, 7I2 माइनस कर दो, खत्म, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये बात तो सबको क्लियर है। अब देखो, अब सब में से यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH और ये OH, सारे OH और ऑक्सीजन को रिमूव करना है। कितने ऑक्सीजन है, सभी बच्चे ध्यान दो, OH कितने हैं, 1 2 3 4 5, OH, 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 5 OH है और एक क्या है, ऑक्सीजन, यस और नो, यस और नो, क्लियर है सभी बच्चों का। अब OH तो है 5, अगर इनमें 5 हाइड्रोजन मिल जाए, 3 और 5, तो ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे, H2। अगर ये ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन ले ले तो क्या बन जाएगा, +H2, हाँ या ना, कितने H2 हो गए, 6H2, ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, 6H2 सबका क्लियर, ठीक है। अब क्या बचा है, 1 2 3 4 5, अच्छा ये 2 मत दिखाओ, चलो ये 2 मत दिखाओ, ताकि आप बच्चों को क्लियर रहे, मेरे बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों OH, यहाँ से इसके पास तो ये H2O बन गया, यहाँ पर ये क्या बच गए, 7, है ना, आओ जी, 5 के 5 तो यहाँ आ गए और इसको 2 दे दिए, कितने आ गए, +2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 5, 5 6 7, हाँ या ना, यस और नो, सारे क्लियर है, सबको समझ आ गई, हाँ या ना, जितने OH थे निकल गए, हाइड्रोजन जुड़ गए, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपके पास, तो आपके पास बनता है C डबल बॉन्ड H CH OH का होल 4 CH2 OH, react with 14 HI is equal to CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, +6H2 +7I2, सबको बात समझ में आ गई होगी, सबकी बात क्लियर भी हो गई होगी, सबको समझ में आया, ओके डन। तो ग्लूकोज क्या है, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है,
डन, आ जाइए अब चलते हैं आगे। अब आती है थर्ड रिएक्शन। सो थर्ड रिएक्शन क्या कहती है? सही बच्चे ध्यान देंगे कि जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है किसके साथ राजा? ग्लूकोज रिएक्शन विद क्या? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसके अंदर क्या मौजूद है, क्या इसमें कार्बोनिल समूह मौजूद है? तो ऐसे दो रिएक्शन है जो मैं साथ ही करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जो पूछते हैं वो मैं बता रही हूँ। क्या ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह मौजूद है? तो इसके लिए दो रिएक्शन दी गई है। कौन कौन सी बेटा? ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN और एक NH2OH और एक रिएक्शन आएगा HCN के साथ। ठीक बात है। तो सबसे पहले सी डबल, अच्छा यहीं पे कर लेना, बीच में लिख दो सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच। इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओ और इसकी रिएक्शन किसके साथ? NH2OH के साथ भी कराओ, NH2OH के साथ। यस और नो, यस और नो, क्लियर? तो क्या करेंगे बेटा, देखो मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे अरेंज करोगे वह टूटता और जुड़ता नजर आए। अगर आप इसके साथ रिएक्शन करा दिए तो मैं एक बार इधर, सबसे पहले यहाँ रिएक्शन करेगा तो ये H2 जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ या ना? और क्या रिमूव हो गया? H2O। बचा क्या? C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर ऊपर H तो था ही, हाँ या ना? और वही मॉलिक्यूल पूरा C OH H, क्या CH OH C OH H OH CH2OH, हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? वहीं पर मैं बात करूं यदि किसकी भाई, HCN की, तो यह HCN भी क्या करेगा, ये यहां से टूटेगा, यहां पर ये अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा? C। इधर H तो है ही बेटा OH, और यहाँ क्या आ गया? C। यानी कहने का मतलब है कि कार्बोनिल के साथ ही रिएक्शन हो रही है CH OH CH OH CH OH CH2OH, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो इनके नाम क्या होंगे? एक तो हो जाएगा क्या बेटा, ग्लूकोज मोनोऑक्सी, इसका नाम क्या हुआ? ग्लूकोज मोनोऑक्सीन, और वहीं पर इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज क्या बेटा? साइनोहाइड्रीन। ओके डन, बात समझ में आएगी? फटाफट थम्स अप भेज दो, जल्दी जल्दी जल्दी। इससे आसान कहीं नहीं है, ऐसा आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है, आई नो दैट, है ना? तो चलो बच्चों जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि बात क्लियर हो जाए। चलते हैं आगे। अब आता है अगला रिएक्शन जो है वो आती है क्या बेटा, आपकी फोर्थ रिएक्शन। दो हो गई ना, थर्ड और फोर्थ तो साथ में ही हो गई, यस और नो? आपकी थर्ड और फोर्थ तो क्या हो गई भाई, साथ में हो गई, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आती है फिफ्थ रिएक्शन। चले तो फिफ्थ रिएक्शन क्या है? फिफ्थ रिएक्शन जो है उसमें पूछा जाता है कौन सी बात, कि एल्डिहाइड और जो कीटोन होता है, नहीं एल्डिहाइड परीक्षण कौन देता है या नहीं, हाँ क्या क्या बोल सकते हैं अपन, यूं कह दे कि क्या एल्डिहाइड जो है वो टोलन अभिकर्मक या फेलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन देता है? तो उसके लिए अपन दो रिएक्शन साथ में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पांचवी और छठी रिएक्शन है वो दोनों भी यहाँ पर
हो सकती है। तो पांचवी और छठी रिएक्शन किस किस के साथ भाई, किस किस के साथ? तो सबसे पहले आती है क्या बेटा, टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक क्या फॉर्मूला होता है, Ag2O। और वहीं पर दूसरी रिएक्शन किसके साथ आती है, फैलिंग विलयन। इसका फॉर्मूला Cu, वैसे तो ये जनरल फॉर्मूला है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला CuOH का होल ट्वाइस होता है, दो अलग अलग वो क्या होता है आयनिक रिएक्शन के दौरान होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन दोनों के साथ कराने से क्या बनता है, चले तो ग्लूकोज की रिएक्शन यदि आप किसके साथ कराते हैं, Ag और दोनों के साथ ही क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच, है ना इंटरेस्टिंग, हाँ या ना? जल्दी एक बात जल्दी से बताओ कमेंट में लिखकर कि आपको इससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एजी टू ओ क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच, हाँ या ना? इसकी रिएक्शन किसके साथ, सी ओ के साथ। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीकारक है, यानी ये इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ, और ऑक्सीकरण करके क्या बन जाएगा, सी डबल ओ एच सी, क्या भाई जल्दी 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 बताओ क्या बन जाएगा, ऑक्सीकरण होते से ही क्या हो जाता है, जी एल सी एच ओ एच का होल फोर सी एच टू ओ एच, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल, क्या है नाम, ग्लूकोनिक। क्लियर, यस और नो, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ या ना? सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पर भी हो ही नहीं सकती है। देखो बेटा यहाँ ऑक्सीकरण करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ओ जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी ओ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, सी डबल ओ एच, बाकी तो है वैसे का वैसा ही आना है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। चले ओके डन, सबका क्लियर, तो जल्दी से फटाफट थम्स अप भेजो। छह रिएक्शन कंप्लीट, नाउ आती है अब अगली आपकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रेजीन के साथ, है ना? हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन अपन करते हैं तो आपकी आठ जो विक्रिया है, आठ नंबर, कितने नंबर की हुई, पांच और छह, अच्छा सात नंबर की है, सात नंबर की रिएक्शन है, सातवीं अभिक्रिया कौन सी है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है सबको पता है, तो ग्लूकोज को लिख दो भाई फटाफट, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ठीक है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ का होल फाइव क्लियर तो क्या बनता है, सभी बच्चे ध्यान से इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि इसके अंदर पांच OH समूह है, कैसे सिद्ध करोगे
कि 5OH समूह मौजूद है, तो ये सब OH के साथ ही रिएक्शन करेंगे, है ना। तो ये यहाँ टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, क्लियर, बात समझ में। तो सबके साथ कैसे रिएक्शन होगी जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। अपने पास क्या है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, कितने हैं, पांच है ना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, एनहाइड्राइड ये होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। आओ बच्चों, यहां से यदि बंद टूटता है तो सारे बंद यहां से टूटे, टूटे तो यहां माइनस और यहां क्या आ गया प्लस, हाँ या ना, और सारे OH निकले तो सब के सब OH किस फॉर्म में निकलेंगे, माइनस, सारे OH यहां जुड़ जाएंगे और ये वहां पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी यहाँ एच तो है ही सबके साथ, एक दो तीन चार पाँच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और यहाँ आ गया CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। और इसका रिएक्शन करके आपके पास क्या बन गया, रिएक्शन में क्या बन गया भाई, जल्दी 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 नाम बताएंगे फटाफट सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर कि मैम इसका ये बन जाता है, इसका नाम ये है, ये आप लोगों के लिए है भाई, जिसको नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगी लास्ट में जाते जाते। चले भाई, ओके डन, सबका क्लियर है बच्चों। प्लस क्या बन जाएगा, 5CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH, डन, यस और नो, ओके ओके ओके। नाउ लास्ट, अच्छा सातवीं है अभी तो ये, अब आती है आठवीं रिएक्शन, वो क्या है भाई, हाइड्रोजन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन, पता है क्या आता है क्वेश्चन, ओसाजोन कैसे बनता है, ग्लूकोज से ओसाजोन कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, तो बताएं, चले आ जाओ जी आ जाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना, तो इसको मैं 4 लिख रही हूँ, सी एच टू OH, सही बच्चों को क्लियर है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे आप क्या, H2N हाइड्रोजन है ना, NH, क्या हाइड्रोजन की रिएक्शन में क्या कराओगे, C6H5, तो क्या हुआ बेटा, ये क्या करेगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, H2, क्या बन जाता है आपके पास, CH डबल बॉन्ड N, NH C6H5, वहीं पर नीचे वही CHOH का होल 4 CH2OH, क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी रिएक्शन भी आप वापस किससे कराते हैं बेटा, हाइड्रोजन से, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर आप इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करा रहे हैं, H2N NH C6H5 H2N NH C6H5, राइट, तो यहां पर क्या होगा, इसको आप खोल के लिखोगे तो COH H CH OH का होल थ्राइज CH2OH, क्लियर, तो यहां देखो राजा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहां से ये बंद, यहां से ये बंद टूटा, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपके पास H और ये H, तो ये बन गया क्या, मैं अलग कलर का पेन यूज कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तो
तो ये बन गया क्या बेटा, NH3। ठीक, ये क्या बन गया बेटा, H2। राइट, यहां वाला H इसके पास आए क्या बन गया बेटा, C6H5NH2। हाँ या ना। अब क्या बचा आपके पास, केवल ये मॉलिक्यूल। क्या लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला क्या होगा आपका, C double bond NH C6H5। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऊपर H है, यहाँ पर C double bond N NH C6H5, वही CHOH का होल थ्राइस CH2OH। हाँ या ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, ओसा जॉइन कहते हैं। आई बात समझ में, सभी बच्चों को इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। बस जरूरत है तो आपके धैर्य और मेहनत की। जिसने वो कर लिया मतलब वो सफलता आपके कदमों में है। ओके, डन। बात क्लियर हो गई तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आते हैं अपन लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि मैंने इस तरह से तोड़कर इसको दिखाया है। चलिए जी, अब चलते हैं लास्ट रिएक्शन की ओर, जो है आपकी 9th रिएक्शन, और वो है आपकी सांद्र HNO3 के साथ। किसके साथ राजा, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन जब होती है तो उसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कहा जाता है कि सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन आप करोगे तो आप ग्लूकोज की रिएक्शन सांद्र HNO3 ग्लूकोज के साथ भी कर सकते हैं और ग्लूकागोन के साथ। HNO3 ग्लूकोज और C double bond OH CHOH का होल 4 CH2OH। क्लियर, HNO3 के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में। अच्छा, ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों को ऑक्सीकृत करके क्या बना देता है, C double bond OH CHOH का होल 4 C double OH। इसका नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी 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 जल्दी। अच्छा जी, फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि क्या बनेगा और इसका नाम क्या होगा। चलें, बात समझ में आ गई तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दो क्लास को, ताकि सभी चीजें क्लियर हो जाए। तो ग्लूकोज की संरचना को जानने से पहले कुछ अपन बेसिक चीजें जान लेते हैं, ताकि आपको चीजें एकदम फिट क्लियर हो जाए। आओ जी, तो अपन सब जानते हैं बेटा कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C double bond O H C O H H C OH C OH H और C OH H और CH2OH। राइट, ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की जब संरचना की आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या चीज सबसे क्लियर होनी चाहिए, आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये सूत्र किस फॉर्म में लिखा गया है। राइट, है ना, सबको क्लियर होना चाहिए कि ये जो संरचना होती है, आप लोगों ने 11th में ही पढ़ी है, इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे फिशर कहते हैं, फिशर प्रक्षेपण कहते हैं, फिशर प्रक्षेपण कहते हैं, है ना। फिशर प्रक्षेपण क्या होता है, एक प्रकार का कार्बन की लंबी श्रृंखला को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसकी संरचना होती है। राइट, हाँ या ना, क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से खोल कर किसी चीज को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, उसका फिशर रूप कहलाता है। वहीं पर यदि आप इस संरचना को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, है तो 6 कार्बन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें अगर चक्रीय रूप में, तो उसका कौन सा रूप कहलाता है बेटा,
भावार्थ रूप कहलाता है। तो बात समझ में आ गई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? हाँ या ना जल्दी बताओ, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे, आप देखो जब आप ग्लूकोज की संरचना की बात करते हैं तो ग्लूकोज की संरचना को जानने से पहले कुछ बातें, क्योंकि संरचना होगी तो उसका नाम होगा, तो हम जब ग्लूकोज का नामकरण करते हैं या उसका नाम लेते हैं तो आपको बेसिकली दो फॉर्म मिलते हैं। कौन कौन से फॉर्म मिलते हैं बेटा? जो संरचना आपने बनाई थी सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच। अब इस संरचना में जो आपका एक नंबर कार्बन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक नंबर कार्बन दो तीन चार पांच और छह, बेटा जो एक नंबर कार्बन है उसकी स्थितियां बदलेगी, यानी वो घूमेगा, है ना? तो जब वो घूमता है तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो बदलता है, बंद जो कोण होता है वो बदलता है। उसके आधार पर इन्हें दो रूप में बांटा, अल्फा और बीटा, क्लियर? इसे स्मॉल डी और स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल किस आधार पर आपने डी और एल बताया, अल्फा और बीटा बताया? एक नंबर कार्बन में परिवर्तन से, एक नंबर कार्बन की जो स्थिति है उसके बदलने से। वो घूमता है तो कितना घूमता है, कितना डिग्री एंगल घूमता है, तो अल्फा और कब बीटा बन जाता है, ठीक है? सेकेंड बात, ये तो फर्स्ट बात हो गई। सेकेंड बात, एक आता है कैपिटल डी और एक आता है कैपिटल एल, क्या फर्क है बेटा? जब पांच नंबर कार्बन की स्थिति बदलती है, स्थिति बदलती है किसकी राजा? पांच नंबर कार्बन की, तो क्या बनता है? डी और एल बनता है, ठीक है? यहां तक क्लियर? कब डी होगा कब एल होगा वो मैं बताऊंगी, अभी आपको कुछ नहीं जानना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्मॉल डी या अल्फा कब होता है, बीटा और स्मॉल एल कब होता है, ठीक है? क्या मतलब होता है इनका मतलब? तो एक नंबर कार्बन में बदलाव अल्फा और बीटा, पांच नंबर कार्बन में बदलाव डी और एल कहलाता है, ठीक? हाँ या ना? इसे हम लोग कहते हैं क्या? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, घूमना, बंद कोण का घूमना, बदलना क्या कहलाता है? डी और एल रूप कहलाता है। ये बात सबको क्लियर? सबको क्लियर? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा जी, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मैं बहुत ही आराम से तुम्हें बता रही हूं। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपके लेफ्ट और राइट दो साइड होंगे कार्बन के पास, हमेशा। अगर OH लेफ्ट में है, अगर OH लेफ्ट में है तो वो क्या होगा? आपके पास अल्फा रूप हमेशा, ठीक है? और यदि आपका कार्बन का OH कितने नंबर कार्बन का, कितने नंबर कार्बन का, वन नंबर कार्बन की बात कर रही हूं, इस कार्बन पर यदि OH है वो किस तरफ चला जाता है? राइट हैंड साइड में चला जाता है, तो वो रूप कौन सा हो जाता है हमेशा बेटा? बीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, यस और नो, ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? हाँ या ना? डी और एल समझ में आया, स्मॉल डी स्मॉल एल या अल्फा और बीटा, क्लियर? अब देखो बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा, ठीक बात, या डी, हाँ या ना? प्लस भी लगा सकते हो, ठीक है? प्लस का रीजन मैं बाद में बताऊंगी, यहां तक ठीक? फिर क्या लिखोगे? ग्लूकोज, ठीक है? अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, इसको अल्फा स्मॉल डी और कैपिटल डी ग्लूकोज,
अब बेटा डी और बीटा एल या फिर डी ग्लूकोज। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे, मैडम दोनों में डी कैसे लगा दिया? तो बेटा जरा ध्यान दो, मैंने कहा कि 5 नंबर कार्बन चेंज होगा तभी, इनमें 5 नंबर कार्बन कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। ग्लूकोज की संरचना में 5 नंबर कार्बन बदलता ही नहीं है, केवल कौन सा बदलता है? 1 नंबर कार्बन। क्लियर? हाँ या ना? ये बेसिक है बेटा, ये कोई नहीं बताता तुम्हें, कोई भी नहीं, इसीलिए पूनम मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी 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 सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। क्लियर है? ओके डन। आ जाओ बेटा जी, आ जाओ, जल्दी 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 चलते हैं। अब चलती हूँ आगे, अब आती हूँ मैं संरचना के ऊपर, है ना, बेसिक संरचना। बेसिक संरचना है बेटा ये आपकी सी डबल बॉन्ड ओ एच, मैं बना रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाना। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच और सी एच टू ओ एच। क्लियर? हाँ या ना? अब इसका बनाना है क्या बेटा? फिशर। ठीक है, इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें जब फिशर बनता है तो दो तरह का बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, 1 नंबर कार्बन, और कितने नंबर कार्बन भाई? 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन, 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन में यहां पर क्या होगा, ये जो एच है वो यहां पर चला जाता है और ये ऑक्सीजन बीच में ही रुक जाता है। यानी कि यहां से जब क्या निकलता है, यहां से जब, ध्यान देना, जब OH निकलता है तो ये OH जाते वक्त रास्ते में ऑक्सीजन को छोड़ते हुए कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में? तो यहाँ पर बनेंगे दो रूप। सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ दो रूप कौन कौन से बने? देखो बेटा, सी ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? OH। यहाँ पर एच लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर ओ एच एच, यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर ओ एच एच, यहाँ पर ओ एच एच, और यहाँ पर सी एच टू ओ एच। हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो देखो भाई, 1 नंबर कार्बन, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, 1 नंबर कार्बन से ये एक चीज इस तरह से जुड़ गई। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, फिशर बन गया। अब आ जाओ दूसरा बना देते हैं, दूसरा वापस बनाओ भाई, वही सी। अब आ गया इधर एच, इधर ओ एच, दूसरा में ओ एच एच, एच ओ एच, ओ एच एच, फिर सी, एक दो तीन चार पांच, इधर सही तो है, सी एच टू ओ एच। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बच्चों का क्लियर है? चलो इसको पिंक से ही बना दूं क्या, ताकि मेरे बच्चों को क्लियर हो जाए। ठीक, अब क्लियर? सबको बात समझ में आ गई यहां तक? ये क्या बन गया? फिशर रूप। ठीक है, नाम बताओ इसका क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आपको मैंने क्या बताया था, यदि OH लेफ्ट साइड तो क्या बनेगा? अल्फा। अल्फा
डी ग्लूकोज, हाँ या ना, हाँ या ना। और यहां पर लेफ्ट में अब क्या है, अब राइट में क्या गया ओएच, तो क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज, हाँ या ना। जल्दी बताओ बात समझ में आई है या नहीं, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई है या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, सभी बच्चे बताओ कि आपको बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है। अब एक बात, अब इससे क्या बनना है, अब ये दोनों जब बने तो कैसे ये एंगल घूमे, तो कहा कि ये जो सीक्वेंस है वो 52 डिग्री है, जब 52 डिग्री से बढ़कर 112 डिग्री जाता है तो बनता है अल्फा डी, और इससे घटकर जब 19 डिग्री आता है तो क्या हो जाता है, 19 डिग्री आता है तो क्या हो जाता है, लेकिन दोनों ही किसमें है बेटा, प्लस में है, दोनों ही किसमें है प्लस, इसलिए अल्फा डी प्लस और बीटा डी भी प्लस, दोनों में प्लस क्यों लगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल प्लस में ही घूम रहा है। हर छोटी से छोटी बात समझा रही हूँ, इससे बारीकी से कहीं नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए डाउट नट पर जुड़े रहो। बात समझ में आई, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब चलते हैं आगे, अब इसका सूत्र कौन सा बनाना बेटे, हावर्थ सूत्र, कौन सा सूत्र, हावर्थ सूत्र, और हावर्थ सूत्र जो है वो किससे मिलकर बना है, किससे लिया गया है, हावर्थ सूत्र जो है वो पाइरेन से लिया गया है, पाइरेन जिसकी संरचना क्या होती है भाई, ये पाइरेन है, क्लियर, दोनों का ही हावर्थ सूत्र बनाना है, हाँ या ना, क्लियर, और वो ही किससे बनना है, पाइरेन से बनना है, पाइरेन का फॉर्मूला आपके पास। अब अपने को इसको इस तरह से लिखना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जो संरचना है इसको इस तरह लिखनी है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, आ जाओ, 1 2 3 4 5 और 6, हाँ या ना, जल्दी देखो फटाफट, यस और नो, यस और नो। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर आपके पास एक नंबर, हाँ या ना, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर, जरा ध्यान करना, एक और पांच नंबर कार्बन, 1 2 3 4 और 5, पांच नंबर किससे जुड़े हुए, ऑक्सीजन से, हाँ या ना, किससे जुड़े हुए, ऑक्सीजन से, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं, कितने बच्चों को क्लियर हो गया, हो गया। अब प्रत्येक कार्बन पर कितने बंध है, प्रत्येक कार्बन पर कितने बंध है, दो बंध है, हाँ या ना, क्योंकि दो तो है पहले से ही, तो चार हो गए। अब क्या करें, अब इसको कैसे लिखेंगे हम इसे अब कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे, अच्छा राइट चीजें हमेशा ऊपर होती है और लेफ्ट चीजें पीछे, हाँ या ना, राइट हैंड आगे रहता है ना, लेफ्ट पीछे, वैसे ही करना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है बेटा, ठीक है, हाँ या ना, दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड की सब चीजें हमेशा नीचे की तरफ और राइट साइड की ऊपर की तरफ, आ जाओ, एक नंबर कार्बन में लेफ्ट में क्या है, OH, राइट में H, फिर दो नंबर कार्बन में लेफ्ट साइड में OH, H, फिर H, OH, फिर चार नंबर कार्बन में OH, फिर H, अब आ जाओ, अब हमें इसका क्या मालूम चलेगा मैडम, कैसे, तो यहां से ओच गया तो ये यहां पर और ये यहां पर, यानी ये क्या आएगा, एच कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और ये कहाँ आएगा, राइट में, हाँ या ना, तो लेफ्ट में आया तो क्या बना भाई, लेफ्ट में आया तो क्या बना, एच, और ऊपर क्या आएगा, CH2OH, हाँ या ना भाई, CH OH के साथ एच ही तो पहले जुड़ा हुआ था, तो OH किसकी जगह आएगा, एच किसकी जगह आएगा, OH की जगह, और CH2OH किसकी जगह आएगा, एच की जगह, तो घूम गया, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ,
यस और नो, सबको बात क्लियर हुई या नहीं, सभी बच्चों को बात समझ में आई है या नहीं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। सभी बच्चे क्लियर है? ओके डन, अब चलते हैं आगे। ये सबको समझ में आया? ये क्या है आपका? ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। इजी है ना? इससे आसान कहीं नहीं हो सकता। ऐसा ट्रिकी रूप तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं। चलें अब आओ भाई, अब चलते हैं दूसरा बनाते हैं। अब जब दूसरा बनाओगे तो वही सीन है, सबसे पहले ये हाँ या ना, वही वहीं पर अपने को क्या करना है बेटे, वहीं पर कार्बन की सबकी संयोजकता क्या होगी, दो दो होनी है, हाँ या ना, होनी है। तो अब आपको क्या लिखना है, अब ध्यान करो वहां पर जल्दी से। अब क्या है, बस यही तो उल्टा है, ओ एच ऊपर और एच नीचे, फिर ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच और नीचे एच और सी एच टू ओ एच। यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं, हाँ या ना, सही बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखो बेटा क्या कुछ नहीं करना, सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्मूले का फीचर बनाना है, जिसमें अपन को क्या करना है, ओ एच से किसको ले जाना है, ओ एच को लेकर जाना है। तो ये इतना नालायक है हाइड्रोजन, जो लेकर तो जा रहा है ऑक्सीजन को, पर बीच रास्ते में बच्चे को छोड़ दिया और खुद ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया। जैसे ही ऊपर चढ़ा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और इसकी एक श्रृंखला में कौन जुड़ गया, इसके साथ कार्बन, कौन सा कार्बन, पहला और पांचवा कार्बन। यहां तक ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अब चलते हैं आगे। तो यहां तक सबकी बात क्लियर हो गई। अब OH, अब OH कहाँ है बेटा, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में OH हो तो अपन ने क्या बोला था, क्या रूप होगा, L, और वहीं पर राइट साइड में हो तो क्या बोलेंगे उसे हम, बीटा, अल्फा और बीटा। अब डी डी क्यों लगाया, दोनों में ही डी क्यों लगाया, क्योंकि पांच नंबर कार्बन में कोई चेंज है नहीं है, जो स्थिति उसकी पहले थी वही अब है। अब चलते हैं आगे। भाई प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जब फिशर बन रहा था तो उस समय बॉन्ड एंगल जो घूम रहे थे वो प्लस में ही घूम रहे थे, 52 डिग्री से 112 और 52 डिग्री से 19 डिग्री पर। आ गई बात समझ में? अब उसका बनाया अपन ने क्या भाई, हावर्त सूत्र। जब हावर्त बनाया तो चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना आई कहाँ से, चक्रीय संरचना आई कहाँ से बेटा, पाइरीन से। क्लियर? इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, अल्फा, क्या नाम पड़ गया, अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोस। हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। नोज क्यों लगाया, ग्लूकोज के नाम के पीछे हमेशा क्या लगता है, ओज लगता है। क्लियर है? यहां तक सबको बात समझ में आई? तो फटाफट फटाफट इसको उतारेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे, ताकि बात समझ में आ जाए। सभी बच्चों को ऐसा ट्रिकी रूप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट झटाझट, कि हमें बात समझ में आ गई है। जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? ओके डन। चलिए अब चलते हैं आगे। ये तो आपके ग्लूकोज की संरचना हो गई, सबको पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन कैसे आता है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज की फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। तो ग्लूकोज का क्या बेटा, फिशर, फिशर कैसे बनता है, ग्लूकोज का कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। सी ओ एच एच पांच और छह, सी एच टू ओ एच, पहला और पांचवा कार्बन, ओ एच 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 ओ एच एच, और ये एच, ये कौन सा रूप है,
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब बीटा कैसे बनेगा? सी ओ ओ एच एच, तीन चार पांच छ, सी एच टू ओ एच। क्या गया भाई? ओ एच। यहां से इसको तो ले लिया, पांच नंबर कार्बन ने, ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच और ये एच। हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस और नो। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? सबको क्लियर हो गई? हाँ या ना, हाँ या ना। ग्लूकोज का फिशर प्रक्षेपण आएगा तो बता दोगे, कर दोगे सूत्र? इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या लिखते हो? इसमें आप लिखते हो क्या बेटा, कि इसके अंदर क्या होता है बेटे? इसके अंदर अल्फा और बीटा डी जो ग्लूकोज बनता है उनमें C1 व C5 कार्बन के बीच के मध्य क्या बनता है बेटे? अंतः आण्विक, अंतः आण्विक, अंतः आण्विक हेमी एसिटेल संरचना बनती है। हेमी एसिटेल संरचना क्लियर? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सबको बात क्लियर हो गई? अंत आणविक हेमी एसिटेल। अच्छा, हेमी एसिटेल क्या होता है मैडम? ये क्या कर दिया आपने बेटा? जब एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ में एच आके जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं हेमी एसिटेल। ओके, अगर एच है साथ में तो हेमी, यहाँ दोनों तरफ ओ एच तो क्या हो जाएगा? एसिटेल। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ, अगर OH के साथ में H है तब तो है ये क्या? हेमी। जब ये हट जाता है तो क्या हो जाता है? केवल एसिटेल। अब ठीक है, अब समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्लियर? अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है भाई? सेकेंड क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि ग्लूकोज का हावर्त सूत्र लिखे, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे हावर्त सूत्र? जल्दी बताओ, कैसे लिखोगे हावर्त सूत्र? लिखोगे आप कैसे करके भाई? हावर्त सूत्र लिख देना कि अपने पास क्या है, ग्लूकोज का क्या है। और हमेशा ध्यान रखना एक बात और, हावर्ट सूत्र सीधा कभी गलती से भी मत बनाना। पहले क्या बनाना? फिशर। फिर क्या बनाना उसका? हावर्ट। हाँ या ना, पहले फिशर बनाओ। तो फिशर क्या है? सी ओ एच एच, दो तीन चार पांच, सी एच टू ओ एच ओ एच एच ओ एच H, H, OH. अब इसका हावर्त बना दो। अब तो सबको आता है बनाना, अब किसी का भी गलत नहीं होगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, ओ एच एच ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच H CH2 OH। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो। तो बीटा कैसे बनेगा? ये तो अल्फा हो गया, अब बीटा कैसे बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? H OH OH H H OH OH H H CH2 OH। बस एक नंबर कार्बन पे क्या है? उल्टा है। हाँ या ना, तो ये है अल्फा और ये है बीटा, क्लियर? हावर्स, पहले हमेशा क्या बनाओगे? फिशर,
उसके बाद क्या बनेगा? हावर्ड। हमेशा याद रखना है, हमेशा, तभी जाके तुम्हें बात समझ में आएगी, वरना तो गलत हो जाएगा। फिर नहीं कहना कि मैडम हमने तो सही किया था, गलत कैसे हो गया। गलत इसी वजह से होता है कि तुम ज्यादा शक्तिमान बन जाते हो पेपर आते, जब तुम्हें आता हो ना कोई क्वेश्चन, तुम बहुत जल्दी शक्तिमान बन जाते हो, अरे हमें तो सब आ रहा है, हम तो अभी कर देंगे। कहते हैं कि जोश में होश कभी नहीं खो, जोश होना चाहिए। आप यूथ हैं, होगा भी, लेकिन जोश होश के साथ रखो। क्लियर? बात समझ में आई? तो फटाफट जल्दी से लाइक करो, जल्दी से शेयर कर दो, फटाफट फटाफट फटाफट। क्लियर है? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और। अब क्या इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पूछा जाता है कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। क्या होती है? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है? अच्छा, परिवर्तित से पहले हम बताते हैं एक और, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। कार्बन, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, वह कार्बन जिसकी दो संयोजकता पर क्या हो, ऑक्सीजन हो। दो संयोजकता किससे संतुलित हो रही है? ऑक्सीजन। तो इस कार्बन को इस प्रकार की, कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एन एनोमेरिक क्या होता है? जिसकी दोनों कार्बन की संयोजकता ऑक्सीजन से संतुलित ना हो। क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बताओ, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जिसकी क्या हो, दो संयोजकताएं ऑक्सीजन से संतुलित हो। हाँ या ना? चले देखो, अभी दिखाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जल्दी 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 बताओ, जल्दी से बता दो क्या होगा। ये देखो, क्लियर? अब यहां देखो, यहां क्या बेटे, HOH, क्लियर? हाँ या ना? अब देखो, इस कार्बन को गौर फरमाओ भाई, कैमरामैन फोकस ऑन दिस कार्बन, बिकॉज ये जो कार्बन है इसकी एक संयोजकता पर ऑक्सीजन, दूसरी पर भी ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। हाँ या ना? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बहुत बार बहुत बार बोर्ड की क्लास में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतना सिंपल होता है, पर हम नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है भाई, तो हम कैसे करके आएंगे। लेकिन आज के बाद ऐसी सिचुएशन ना हो तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे दो संयोजकताओं पर क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन पर दो ऑक्सीजन लगे हुए हो, तो वह कार्बन क्या हो, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। क्लियर? अब आता है अगला कॉन्सेप्ट आपका, क्या बेटा, अगला आता है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता। अब परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता का मतलब होता है कि जब भी कोई भी ग्लूकोज है, चाहे वो अल्फा डी हो या बीटा डी हो, ध्यान देना बच्चों, बीटा डी या अल्फा डी, ठीक है, ग्लूकोज हो, कैसी स्थिति है भाई, सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच ओ एच ओ एच एच क्लियर? बात समझ में है ना? और आता है सी एच ओ एच,
ठीक बात है हाँ या ना। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री बेटा, प्लस में 19 डिग्री, और ये कितना बेटा, प्लस में 112 डिग्री। अब इसके अंदर यदि कोई प्रकाश की किरण को डाला जाता है, इस जिसमें ये सॉल्यूशन भरा हुआ है उसमें कोई प्रकाश की किरण को डाला जाता है, तो ये पदार्थ घूर्णित होकर घटकर कहां आकर स्थिर हो जाता है, कहां आकर, यहां आकर स्थिर 52 डिग्री पर, क्लियर। और वहीं पर ये क्या होता है, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो ये क्या करता है, ये ध्रुवित होकर के घूर्णित होकर बढ़कर बढ़कर कहां आकर स्थिर हो जाता है, 52 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता, क्योंकि 52 डिग्री से ज्यादा और कम, यानी ज्यादा है तो घटेगा और कम है तो बढ़ेगा, लेकिन आकर स्थिर कहां हो जाएगा, 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। बात समझ में आ गई, यस और नो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सबको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। ये जो टॉपिक मैंने आज समझाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संरचना, एनोमेरिक कार्बन, हावर्थ सूत्र, फिशर सूत्र और परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता। ये जो मैंने आज 5 टॉपिक आपको समझाए हैं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना ताकि बात क्लियर हो जाए। अब तक बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गई, तो अच्छे से पढ़ाई करना, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता ही है, तो ध्यान से अच्छे से शुरू करो जी, ताकि आपको चीजें एकदम एकदम क्लियर हो जाए। तो तब तक जब तक हम क्या करते हैं, ये तो क्लियर है सबका, बात समझ में आई हुई है, किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, हाँ या ना। तो अपने को जो चीजें मैंने आज पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से उसको नोट्स में लिखना और हाथ से प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि बातें क्लियर हो जाए। ओके, तो पढ़ते रहना जब तक मैं अगली क्लास में फ्रक्टोज को लेकर आती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो गुम हो गया है ना, तो जब तक मैं उसको ढूंढ कर ले आती हूँ, तब तक तुम ग्लूकोज को अच्छे से पकड़ के रखना, ताकि वो गुम ना हो जाए। तो चलिए जी, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक और जोश और उत्साह के साथ। तो तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।